डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 12th क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो एक बायोमोलेक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है, जिसको हिंदी में बोले तो जैव अणु बोलते हैं। तो जैव अणु के इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था और प्रोटीन्स क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था कि भाई प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, एमिनो अम्ल के 10 एटम्स को साथ में मिलने के बाद बनता है, ठीक है, प्रोटीन। और प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम है रेशेदार प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों का बाल में, त्वचा में, ये सब में पाए जाते हैं, और दूसरा का नाम है गोलीय प्रोटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गोलीय प्रोटीन को पढ़ना। तो टॉपिक दिया जाए गोलीय प्रोटीन, गोलीय प्रोटीन, इसमें इंक नहीं है, ब्लू वाला का यूज करते हैं, गोलीय प्रोटीन, गोलीय प्रोटीन। अब क्या है गोलीय प्रोटीन, इसके बारे में चलिए फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए फर्स्ट एरो देखकर, जब पॉलीपेप्टाइड बंधन आपस में जुड़कर गोलीय संरचना प्रदान करती है तो करती है तो वे गोलीय प्रोटीन कहलाते हैं, वे गोलीय प्रोटीन कहलाते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीपेप्टाइड बंधन क्या है। जब रेशेदार प्रोटीन्स को हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग सीख रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीपेप्टाइड बंधन क्या है भाई। तो जब प्रोटीन बनता है तो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं 10 ठो, यानी 10 गो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है। वही एमिनो अम्ल को जिस बंधन द्वारा जोड़ा जाता है, जिस बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाता है, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड बंधन। अगर पॉलीपेप्टाइड बंधन की रचना रेशे की जैसे होंगी, रेशेदार की जैसे होंगी, तब उसको नाम लिखा जाता है क्या, रेशेदार प्रोटीन। लेकिन वही पॉलीपेप्टाइड बंधन की जो रचना है वो कैसी होंगी, गोलीय संरचना होंगी, तब उन्हें कहा जाता है गोलीय प्रोटीन, ठीक है, तब उन्हें कहा जाता है गोलीय प्रोटीन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देकर लिखा जाए, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय, ध्यान दीजिएगा, विलेय का मतलब होता है घुल जाना, और एक होता है दोस्तों अविलेय, अविलेय का मतलब अघुलनशील। जैसे कि आपको हम बताए हैं पिछले क्लास में कि रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं ना, वो जल में अविलेय होते हैं, अविलेय का मतलब अघुलनशील, नहीं घुलते हैं। लेकिन गोलीय प्रोटीन याद रखिएगा दोस्तों, वे जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखे कि ये जो जल में होते हैं गोलीय प्रोटीन, घुल जाते हैं। चलो फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए नेक्स्ट एरो देखकर, यह मुख्य रूप से अंडे कॉमा रक्त में पाया जाता है, यह मुख्य रूप से अंडे कॉमा रक्त में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि रेशेदार प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बाल में, त्वचा में, उसी तरीके से गोलीय प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा अंडे में। कोई जो अंडे देने वाले होते हैं तो उस अंडे में भी पाया जाता है क्या,
गोलीय प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा कि हम लोगों का जो रक्त होता है ना, ब्लड, उस ब्लड में भी पाया जाता है गोलीय प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा कि गोलीय प्रोटीन जो होता है जल में विलय होता है, घुलनशील होता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, और दूसरा अंडे में भी पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड एक और पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट्स नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, अंडे में एल्बुमिन, अंडे में एल्बुमिन, एल्बुमिन लिख रहे आएगा, एल्बुमिन याद रखिएगा, अंडे में क्या पाया जाता है, एल्बुमिन, और रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, और रक्त में हीमोग्लोबिन नामक गोलीय प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसे लिखिएगा, हीमोग्लोबिन नामक गोलीय प्रोटीन पाए जाते हैं। तो चलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ये तो भाई पता है ना कि गोलीय प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अंडों में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, लेकिन अंडे में जो पाया जाने वाला गोलीय प्रोटीन है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा एल्बुमिन, एल्बुमिन। लेकिन दोस्तों हमारे जो ब्लड है, हमारे जो खून है, उस खून में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अंडे में जो गोलीय प्रोटीन पाया जाता है उस गोलीय प्रोटीन का नाम क्या है, तो एल्बुमिन, और हमारे जो रक्त में पाया जाने वाला गोलीय प्रोटीन है उसका नाम हीमोग्लोबिन है। तो याद रहेगा इन चीजों को। चलो तो अभी हम लोग गोलीय प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये दो तरीके का होता है, जैसा कि हम लोग देखे रेसेदार एंड गोलीय प्रोटीन। अब गोलीय प्रोटीन में को डिस्कस करने के बाद हम लोग आते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण को पढ़ते हैं। अब आपको नहीं पता चलेगा कि सर विकृतीकरण क्या है, तो विकृतीकरण का मतलब होता है उसमें उसका टूट जाना, प्रोटीन का टूटना, या फिर प्रोटीन किसी कारणवश उसमें विनाश आ जाना, ठीक है। जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब आता है ना, तो हमारे धरती पे मकान, पुल, ये सब ढह जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्षतिग्रस्त विकृतीकरण। उसी तरीके से प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि आखिर प्रोटीन में किस तरीके से विकृतीकरण होता है, और विकृतीकरण होता है उसका हम लोगों को फायदा क्या बनता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक बनाएंगे प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। अब प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए ताप में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन के कारण प्रोटीन की त्रिविम संरचना टूटकर विखर जाती है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। अब प्रोटीन के विकृतीकरण को हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर प्रोटीन का विकृतीकरण का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रोटीन जो टूटता है, यानी कि प्रोटीन जो है उसमें डिफेक्टिव आता है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो हम लोगों को अलग अलग ब्रेक डाउन होता है, वो दो कारणों से हो सकता है दोस्तों। एक तापमान की वजह से, और दूसरा
पीएच में परिवर्तन के वजह से। अब पीएच क्या है, तो आप टेंथ क्लास में अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़े होंगे, वहां पे हम लोग को पढ़ने को मिलता है पीएच स्केल के बारे में। और उस वहां पे हम लोग ये भी जानते हैं कि उस स्केल पे क्षार कब होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है क्षार कहलाता है, 7 से कम रहता है वो अम्ल कहलाता है, और 7 को उदासीन कहा जाता है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दिखाने के लिए, मापने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग पीएच के बारे में पढ़े थे। तो याद रखिएगा, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन टूटकर बिखरता है, टूट जाता है, नष्ट होता है, ये किसके किसके वजह से ऐसा होता है, तो मुख्यतः इसका दो कारण है। पहला, टेम्परेचर चेंज होगा, तापमान के परिवर्तन के वजह से ऐसा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पीएच में परिवर्तन के वजह से इसमें चेंज आ सकता है। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जरा अच्छे से बनाइएगा, हम यहां पे बना रहे हैं बोर्ड पे, देख लीजिएगा पहले, ठीक है। ये हम लोगों का दोस्त प्रोटीन है, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों का है क्या, प्रोटीन है क्या, प्रोटीन है, ठीक है। इसका नाम होता है हम लोगों को दोस्त प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अच्छा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखिए, अब इसमें टेम्परेचर चेंज होगा या फिर पीएच चेंज होगा तब ये टूटना स्टार्ट होगा। और याद रखिएगा, जब ये प्रोटीन टूटता है ना, तो दो तरीके में टूटता है। पहला तरीका तो इसका एक तरीका रेशेदार प्रोटीन, इस तरीके का प्रोटीन में टूटता है, इसको हम लोग रेशेदार बोलते हैं, रेशेदार, ठीक है। और दूसरा इस ये टूट कर बनता है जिसको बोल सकते हैं गोलीय प्रोटीन, इसका संरचना जो होता है गोल होता है, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग गोलीय प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटीन जो टूटता है ना, वो किसकी किसके वजह से टूटता है दोस्तों, तो टेम्परेचर चेंज यानी कि तापमान में परिवर्तन की दर, या फिर पीएच में परिवर्तन के कारण ये जो है टूटना शुरू हो जाता है प्रोटीन। और जब प्रोटीन टूटता है तो दो पार्ट में टूटता है, एक का नाम है रेशेदार और दूसरे का नाम है गोलीय। और रेशेदार प्रोटीन जैसे ही टूटेगा तो हमारे बालों में, त्वचा में, और जब गोलीय प्रोटीन टूटेगा तो हमारे ब्लड में वो चीजें शामिल होती है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो ये था हम लोगों को दोस्त प्रोटीन का विकृतीकरण। ये फिगर जो है आप अच्छे से नोटबुक में बना लीजिएगा। फिर इसके बाद का जो टॉपिक्स है हम लोगों का, वो है दोस्तों विटामिन्स। तो अब टॉपिक दिया जाए विटामिन, विटामिन, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। तो इस टॉपिक्स को हम लोग दोस्तों अगले दिन क्लियर करेंगे। तो आज तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विटामिन्स को। तो दोस्तों धन्यवाद।